नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार की पॉपुलर सीरियल और टीवी सीरियल जगत का सबसे बड़ा सीरियल अनुपमा का प्रीक्वल, जो कि बहुत ही जल्दी अनाउंस हुआ था। आप लोगों को पता होगा, हमने आपको अपडेट भी दिया था, अनुपमा का एक प्रीक्वल शो आने वाला है जो कि डायरेक्ट OTT पर रिलीज़ किया जाएगा। अब ये कन्फर्म हो चुका है कि ये शो डायरेक्ट OTT पर रिलीज़ होगा, ये शो TV पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं आखिर कब आपको ये OTT पे देखने को मिलेगा और इस शो से जुड़ी हुई कुछ अनटोल्ड स्टोरी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरे एंड तक देखना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। अनुपमा और रूपाली गांगुली की जिंदगी को बदल देने वाला ये शो अब प्रीक्वल में, यानी कि आप यूं कह लीजिए कि इस शो के मेकर्स अब इस शो को एक नया सीक्वल, एक नई मोड़ देना चाहते हैं, एक नई कहानी देना चाहते हैं, जिसके चलते इस शो में अब नमस्ते अमेरिका इस नाम से यहाँ पे नरेशन करते हुए आपको कुछ दिन पहले ही एक प्रोमो चलाया गया था अनुपमा का, रूपाली गांगुली का, जिसमें इन्होंने बताया था कि इनकी कहानी किस तरीके से 17 साल पहले की कहानी बताई जाएगी। इसमें पूजा बैनर्जी भी एज एन वनराज की एक्स गर्लफ्रेंड के कैरेक्टर में होंगी, तो वहीं पर अनुपमा और रूपाली गांगुली के किस तरीके से वनराज के रिलेशन है इसको भी दर्शाया जाना है। इसका शूट स्टार्ट हो चुका है, ये बहुत ही जल्दी यानी कि 25 अप्रैल से ये OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर टेलीकास्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको नरेट करेंगी रूपाली गांगुली, वन एंड ओनली अनुपमा की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस। आप लोग इस सीरियल के लिए कितने एक्साइटेड हो, अनुपमा के प्रीक्वल के लिए कितने एक्साइटेड हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। वीडियो का अंत करें उससे पहले, अगर आप हमारे और करीब आना चाहते हैं तो जाइए फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पे, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलूंगा आपसे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।